हेलो गाइज, हैप्पी टू हेल्प यू। एनके सहरसा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं नीतू मिश्रा आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत लिंक बताऊंगी, और लिंक में हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो आइए वीडियो देखते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों को। और अब वीडियो शुरू करती हूँ, तो देखिए किस प्रकार आप लिंक को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं विंडोज आर प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड टाइप करके इंटर प्रेस करती हूँ। एमएस वर्ड ओपन हो चुका है, तो अब इसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि इंसर्ट टैब में ये आपको सीखना है हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस लिंक के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं लिंक में आकर के ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हाइपरलिंक पहले होता क्या है ये आप जाने। तो क्रिएट ए लिंक टू ए वेब पेज, ए पिक्चर, एन ईमेल एड्रेस और ए प्रोग्राम। यानी कि एक किसी भी आप पिक्चर, ईमेल एड्रेस और प्रोग्राम का जो है लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो वो देखिए कि किस प्रकार आप लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक फाइल ओपन करके। सबसे पहले आप एक फाइल ओपन कर लीजिए, ये रहा मेरा फाइल। तो अब देखिए इसका तो लिंक करना काम है, आप किस प्रकार यूज करें आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि यूज के टाइम में आप ये देखें किस प्रकार से आपको सुविधा होता है, और ये अपना कॉमन सेंस भी आपको काम देता है कि कहाँ पे किस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो वैसे मैं जनरली जो यूज होता है वो बता देती हूँ। जैसे मान के चलिए कि सपोज कीजिए कि आप ढेर सारे फाइल एक बार में यूज करते हैं, बट कोई दो तीन फाइल ऐसा होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उस फाइल को आप लिंक करके रख सकते हैं और बहुत तेज़ी में उसको ओपन करने के लिए, एक जो कि एक ही फाइल खुला हुआ है और वहीं भी वहीं दूसरे फाइल को, तीसरे फाइल को आप खोल के देखना चाहते हैं, कोई मैटर को लाना चाहते हैं, तो उसे आप लिंक करके रख सकते हैं। सपोज कीजिए एक यहाँ पे वर्ड मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस वर्ड को सेलेक्ट करके इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक में चलिए, और हाइपरलिंक में जैसे दूसरा फाइल आपका है, ये आपका फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिंक करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो देखिए कि यहाँ आपका फाइल यहाँ जो है लिंक हो चुका है। तो कंट्रोल और क्लिक करने के बाद इस फाइल को आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, या इससे कोई भी मैटर वहाँ ले जाना है तो ले जा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप फाइल को ओपन करने में बहुत ही आपको मदद करता है। और जो दूसरा तरीका है, जैसे आप कोई भी देखते हैं कि वेबसाइट वगैरह दिया रहता है, उस पर से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, लिंक किया हुआ चीज़ को ओपन करते हैं, तो वह भी तरीका मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं www.mutcc.com, ये सपोज कीजिए मेरा वेबसाइट है, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ रहता है, इसको मैं अभी लिंक को हटा देती हूँ। तो अब यहाँ इसके नीचे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड दिस फाइल। तो क्या होता है कि क्लिक हेयर पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों का फाइल डाउनलोड होने लगता है या वेब ब्राउजर खुल जाता है। तो इसको किस प्रकार किया जाता है वो आप देखें। यहाँ से जैसे क्लिक हेयर पे मैं क्लिक कर दी, तो इसका जो है आपको शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के। तो कंट्रोल के पे आने के बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पे आप जो है देख लीजिए, यहाँ डिस्प्ले जो हो रहा है क्लिक हेयर डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे आप दे दें www.mutcc.com, mutcc.com यहाँ पे दे दिया, ओके कर दीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ का लिंक हो जाएगा, और जब भी आप ओपन करेंगे तो ये ब्राउजर जो है आपका ओपन हो जाएगा और वेबसाइट पे आप पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बुक मार्क जो है
लगाना सीखेंगे कि किस प्रकार। तो पहले ज़माने में आप देखते थे कोई मैगजीन या डायरी पढ़ा जाता था तो उसमें उसको पैराग्राफ को याद करने के लिए कि कहाँ तक पढ़े थे उसमें एक रिबन लेने के लिए क्या करते थे कि उस रिबन को उस पेज में लगा देते थे ताकि याद रहे कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है। तो इसी तरह बुकमार्क जो है आपको ये याद दिलाने के लिए भी यूज किया जाता है कि आप अपना उसमें मार्क लगा सकते हैं कि किस प्रकार आप जैसे कहाँ तक पढ़े हैं का उसको याद रखने के लिए भी आप बुकमार्क, या किसी ने कोई लिखा है पैराग्राफ, दो तीन आदमी लिखे हैं इस पैराग्राफ को, इस पेज को, तो एक पैराग्राफ राम ने लिखा, एक पैराग्राफ मोहन ने लिखा, एक सोहन ने लिखा, तो वह आप बुकमार्क उसमें लगा करके रख सकते हैं कि बाद में भी आपका पहचान हो कि ये पैराग्राफ किसका है, ये पैराग्राफ किसने पढ़ा, ये पैराग्राफ किसने लिखा, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे आपने यहाँ तक पढ़ा है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए, क्लिक कीजिए। तो जैसे आपने यहाँ तक पढ़ा है देख लीजिए, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आप इसमें मार्क लगाना चाहते हैं तो बुक मार्क पे आए और यहाँ पे मैं MUTCC लिख देती हूँ और यहाँ ऐड करती हूँ और इसको अब जो है पहले आप देख लें कि कर्सर को मैं यहाँ ला देती हूँ। अब आप बाद में देखना चाहते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ा है तो बुकमार्क पे आइए और MUTCC सेलेक्ट कीजिए और गो टू कीजिए। तो देखिए कि ये कर्सर आपका यहाँ तक ला दिया है कि आपने यहाँ तक पढ़ा था और यहाँ स्टार्ट करने वाले थे, तो ये हुआ आपका बुकमार्क। और या इस प्रकार भी आप यूज कर सकते हैं, देख लीजिए कि जैसे ये पैराग्राफ राम ने लिखा है तो इसको बुकमार्क लगा देती हूँ राम के नाम से, राम ऐड कर दिए। फिर दूसरे पैराग्राफ को सोहन ने, मोहन ने लिखा है तो इस प्रकार से आप बुकमार्क दूसरे पैराग्राफ में लगा दें, SK शॉर्ट नेम ही देना है। और फिर दूसरे तीसरे पैराग्राफ में यहाँ पे बुकमार्क लगा रहे हैं जैसे NK सहरसा का NK दे दिए, तो इस तरह से अब आप यहाँ पे देख लें, जैसे यहाँ पे मैं कर्सर को ला देती हूँ अब बुकमार्क आप देखें कि राम का कौन सा मैटर है देखने के लिए गो टू पे जा सकते हैं। देखिए ये आपको सेलेक्ट करके बता रहा है, SK पे चलिए वो आपको बता रहा है, NK पे चलिए, सबको वो सेलेक्ट करके कितना बढ़िया तरीका से बता रहा है, आपको याद दिला रहा है। इस तरह से आप बुकमार्क करके रख सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस बता रही हूँ, क्रॉस रेफरेंस को आप इस प्रकार भी यूज करें, इसका अब आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज इसको कहाँ पे किस तरह से करते हैं। वैसे इसका यूज जो है देख लें, आपको रिफर्ड टू आइटम सच एज हेडिंग फिगर एंड टेबल बाय इंसर्टिंग ए क्रॉस रेफरेंस सच एज सी टेबल 6 बिलो और टर्न ऑन पेज 8। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं कि जैसे इस प्रकार हेडिंग वगैरह लगा करके भी रख सकते हैं, टेबल वगैरह आपका है या कोई फिगर वगैरह है तो सब में आप ने इसको यूज कर सकते हैं। या क्रॉस रेफरेंस आर ऑटोमेटिकली अपडेट इफ द कंटेंट इज मूव टू अनदर लोकेशन बाय डिफॉल्ट क्रॉस रेफरेंस आर इंसर्टेड एज हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक की तरह यह क्या करता है कि अदर लोकेशन पे यह कह रहा है कि मूव्ड करके उस कंटेंट को मूव्ड करके अदर लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि इंसर्ट करवा देता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बुकमार्क कर चुके हैं तो इस पेज में आते हैं, इस पेज में आने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं और यहाँ पे हमने अभी क्या यूज किया है तो बुकमार्क यूज किया है। तो बुकमार्क यूज किया, बुकमार्क में क्या क्या यूज किए हैं तो इसका, जैसे अब इसका मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा दीजिए तो यहाँ देखिए कि SK का मैटर जो है आ चुका है। तो इस पे जैसे ही हम ले जाते हैं तो हाइपरलिंक की तरह यह पता चल रहा है, तो रेफरेंस के अंतर्गत क्रॉस रेफरेंस का बहुत ही बढ़िया यूज है। तो इसलिए वही मैं आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस बताऊंगा। ऐसे क्रॉस रेफरेंस आप देख ही लिए कि यहाँ पे जो मैं बताई उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके थैंक यू। अब अगले वीडियो में आप लोगों को मैं यहाँ से क्या है कि इंसर्ट टैब में हेडर, फुटर, टेक्स्ट,
शिम्बॉल इटीसी को बताऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।